फ्रेंड बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी हमें परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए और एक अकाउंट्स की अच्छी जॉब के लिए टेली या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से कौन सा सॉफ्टवेयर पहले सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे भी एक अच्छी जॉब के लिए हमें सबसे पहले क्या कुछ सीखना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको रियल बिजनेस की रियल वाउचर के साथ टेली बीजी या मार्क जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स अगर आप परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के साथ साथ एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ अकाउंटिंग की जॉब शुरू करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स अगर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी टेली बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि अकाउंटिंग की परिभाषा क्या है, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या है, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ होते हैं, अकाउंट्स में लेजर क्या चीज़ है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और हमारे बिजनेस में वाउचर्स क्या चीज़ है, वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं और वाउचर से हमारे लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं और लेजर्स के आधार पर ट्रायल बैलेंस और बुक्स की फाइनलाइजेशन कैसे होती है, ये आपको प्रैक्टिकल तरीके से जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इन सब बातों को इग्नोर करके आपने डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट से टेली बीजी या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर दिया बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी रियल वाउचर की प्रैक्टिस से, तो आप जितना समय और आप जितना पैसा आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा आपका सब बेकार हो जाएगा, उसमें आपको 1% भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट से टेली बीजी सीख के और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करके और जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और जब उन्हीं इंटरव्यू में उनसे जब ओरिजिनल वाउचर से जब उनके जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनका कन्फ्यूजन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब उन इंस्टीट्यूट से जब उन्होंने प्रैक्टिस करी तो केवल टेली की प्रैक्टिस करी थी, न कि रियल वाउचर से उन्होंने कोई प्रैक्टिस की थी। तो फ्रेंड्स आपके लिए कोई टेली बिजी या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका प्रैक्टिकली मैनुअली अकाउंटिंग बेस आपका मजबूत होना जरूरी है। फ्रेंड्स टेली बिजी यह बहुत ही एक वर्ल्ड लेवल के सॉफ्टवेयर है, ये हर किसी की जुबान पे आया हुआ है, अभी हम टेली सीख लेते हैं या बीजी सीख लेते हैं हमें अकाउंटिंग की जॉब मिल जाएगी। फ्रेंड्स बहुत सी सारी कंपनी है, हर कंपनी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने ज़रूरत के अनुसार डिजाइन करवाती है, ये ज़रूरी नहीं है अभी आपने टेली या बीजी सीख लिया और जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया वहाँ पर आपको टेली या बीजी अकाउंटिंग जो आपने सीख रखे वही मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका प्रैक्टिकल बेस मजबूत है, आपका मैनुअल अकाउंट्स अगर मजबूत है तो आपके सामने किसी भी टाइप का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको मिल जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी डिग्रियाँ इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मायने रखता है। बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेली और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो उन्होंने सीख रखा है लेकिन उनको प्रैक्टिस करने के कोई साधन अवेलेबल उनके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है भी आप किसी बड़ी कंपनियों में जाके वहाँ पर अकाउंटिंग वर्क करके एक्सपीरियंस प्राप्त करें, आप अपने आसपास में अपने मोहल्लों में किसी किराना स्टोर पे जाके, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके आप वहाँ के उनसे वाउचर्स की डिमांड करके वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी आपके पास टाइम है वहाँ पे आप उनकी अकाउंटिंग वर्क कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में कर दीजिए आप, लेकिन कम से कम आपको बिजनेस के रियल वाउचर अकाउंटिंग देखने को तो मिलेंगे, जो आपके मन में जो भी एजुकेशन है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भी जब तक आपका अकाउंटिंग बेस मजबूत नहीं है तब तक आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पहले नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने में आपका टाइम और जो मनी है वो दोनों वेस्टेज हो सकती है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि किसी और स्टूडेंट के मन में भी इसी टाइप का कोई सस्पेंस है या हमें टेली या बीजी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से जॉब मिल जाएगी तो उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से संबंधित कोई भी टाइप की इंक्वायरी है आपकी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप की अगर कोई वाउचर्स की अगर जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं, मैं आपको सारे वाउचर परचेज सेल क्रेडिट नोट डेबिट नोट के सब वाउचर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।